आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डिफेंस सेक्टर में नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। बीते दिनों यूएस ने एआई कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट के साथ ह्यूमन कंट्रोल्ड फाइटर जेट्स के बीच एयर कॉम्बैट कराया था। ये एआई की दुनिया में एक बिल्कुल नया प्रयोग था। इस बीच खबर है कि चीन ने भी एक इंटेलिजेंट एयर कॉम्बैट एआई डेवलप किया है। चीन का दावा है कि उसका ये एआई एयर कॉम्बैट सिस्टम यूएस से कई मायनों में बेहतर है। इस वीडियो में हम चीन के इस एआई सिस्टम को डिटेल में समझेंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर में एआई का किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप आज तक एआई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूएस एयरफोर्स के बाद चीन ने भी एयर डिफेंस सेक्टर में एआई का इस्तेमाल किया है। चीन ने इंटेलिजेंट कॉम्बैट एआई सिस्टम विकसित किया है। चीन का दावा है कि उसका ये एआई सिस्टम चंद सेकंड्स में टैक्टिकल डिसीजंस लेने में सक्षम है, साथ ही ये डेटा विजुअलाइजेशन और नेचुरल लैंग्वेज की मदद से ह्यूमन ऑपरेटर्स के बीच तालमेल बनाकर चलता है। यूएस एयरफोर्स ने हाल ही में अपने एआई कंट्रोल्ड फाइटर जेट का ह्यूमन कंट्रोल्ड F-16 से एक एक्सपेरिमेंटल एयर कॉम्बैट करवाया था। करीब 1200 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में करतब दिखाते इस एआई एयरक्राफ्ट को देखकर सब दंग रह गए थे। चीन के डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि उनका एआई सिस्टम सिम्युलेटेड एरियल कॉम्बैट्स में सफल रहा है और इसकी एक्यूरेसी भी करीब 100% रही है। चीन का मानना है कि यूएस का एआई एयर डिफेंस सिस्टम अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है और ऐसे में उसने इस सेक्टर में यूएस पर अपनी बढ़त बना ली है। एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से एयर वॉरफेयर में काफी बदलाव आए हैं। इन तकनीकों में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्वांटम, एआई, हाइपरसोनिक्स, स्टेल्थ, नैनो, मिनिएचराइजेशन और रोबोटिक्स का रहा है। एआई वर्ल्ड में चाइना से बढ़ते कंपटीशन के बीच अमेरिका ने रेप्लिकेटर नाम के एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा $1 बिलियन का बजट रखा गया है। जानकारों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका वेपनाइज्ड ऑटोनोमस व्हीकल्स तैयार करने की योजना बना रहा है। हाल ही में यूएस नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड की टास्क फोर्स 59 ने एक मानव रहित जहाज द्वारा एक सिम्युलेटेड एनिमी टारगेट पर हमला करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा पनडुब्बियों, टैंकों और जहाजों को पहले से ही नेविगेट करने और टारगेट्स पर हमला करने के लिए उसे एआई क्षमताओं से लैस किया गया है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक एआई।